सो हे गाइस, मैं शुभम कौशल और आज की वीडियो में यार मैं आपको तीन ऐसे लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो हमें आज के दिन टीचर्स डे के दिन सीखने चाहिए। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर। लेसन नंबर वन, वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज 0% इन लाइफ। इंडिया में इतने बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? NEP क्यों चेंज की गई? मुझे थोड़े दिन पहले यार किसी का कॉमेंट आया, किसी बच्चे या बच्ची का, कि भैया मैं 10th क्लास में हूँ, मैं कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कुछ मतलब नया डिस्कवर करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे सब कह रहे हैं कि बोर्ड्स की तैयारी करो, बोर्ड्स की तैयारी करो, और किसी की चीज़ की तरफ मत देखो, ठीक है, सिर्फ बोर्ड्स की तरफ लगे रहो। ये सब क्यों हो रहा है जो मैंने तीन कंडीशंस बताई? इन सब का वास्ता यार हमारे परसेंटेज से है, स्कूल की परसेंटेज, कॉलेज की परसेंटेज। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमने यार अपने दिमाग में फीड कर लिया है, और जो भी हमें मिलता है हम उसके दिमाग में फीड करने कोशिश करते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि नंबर आने ज़रूरी हैं, परसेंटेज ज़रूरी है, नॉलेज होना हो परसेंटेज होनी चाहिए आप में, ठीक है, हमेशा यही सब कहते रहते हैं। इसलिए वो बच्चा भी यही सोचता है कि मैं बस परसेंटेज चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परसेंटेज आएंगे तो उससे मुझे पैसे मिलेंगे बस, और नहीं परसेंटेज आती मतलब वो सुसाइड कर लेता, सीधी सी बात है। अब इसे और प्रैक्टिकली समझने के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं किसी स्किल से, राइट? अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्किल ले लो, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, वेब डेवलपमेंट ले लो या कुछ भी, ठीक है, स्किल वर्सेस परसेंटेज, अरे ऊपर नीचे हो गया। अब परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है? मैंने ऐसा क्यों कहा? सिंपली यार देखो, परसेंटेज जो है वो क्या कर रही है, आप परसेंटेज ज़्यादा अच्छी लेके आ रहे हो तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? उस सर्टिफिकेट को आप फ्रेम करा के वहाँ पे टांग दोगे दीवार पे, तो क्या हो रहा है उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई आपकी क्वालिफिकेशंस देखना चाहता है या देखना चाहता है कि आप में क्या खास है, तो आप उसे घर पे बुलाओगे, वो देखो मेरा वो लगा हुआ है, ठीक है, वो चेक कर लो। लेकिन जब आप स्किल की बात करो, आप किसी बंदे को नहीं लेके आते, स्किल आपके साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। जो स्किल है वो आपने सीख ली, फॉर एग्जांपल आपने पाइथन सीख ली, मैं कोई भी स्किल होनी चाहिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने पाइथन सीख ली और अब आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वो स्किल आपके साथ साथ चल रही है। आपको किसी को घर पे लेके आके वो दिखा के प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बनाओ कि ये मैंने बनाया, सीधी सी बात है, वैसे तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी स्किल आपके साथ साथ चल रही है हमेशा। परसेंटेज क्या है? हाँ, वो नॉलेज बात अलग है, मैं वो नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नॉलेज हमेशा आपके साथ चलेगी, स्किल आपके हमेशा साथ चलेगी, परसेंटेज कभी नहीं चलेगी, परसेंटेज सिर्फ एक दीवार पे टंगी होगी। सो उसके साथ क्या कर लोगे आप? दूसरी चीज़ आती है हमारे पास यार, के जो स्किल होती है ना, इसे आप एक ऐसे तरीके से समझो कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलती से भी, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना था, उसकी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है फुली, लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर सिर्फ एक कंट्री, सिर्फ इंडिया लगी होती वैक्सीन बनाने, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी 12 महीने में बन रही है तो पहले उसे 10-12 साल लग जाते। क्यों लग जाते? अगर अकेली होती तो फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने, फॉर एग्जांपल लो ऑस्ट्रेलिया ने कोई गलती की, उससे नहीं बनी वैक्सीन, तो इंडियन वो गलती रिपीट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो पर स्किल आपको बहुत कुछ सिखा रही है, और स्किल में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं, उस सबसे आप सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, आपको फ़ायदा हो रहा है। परसेंटेज में क्या है? वही आपके टॉपर्स, आपका कंपटीशन है, वो टॉपर्स के साथ 4-5 जो टॉपर्स बैठे हैं उनसे ऊपर निकलना है, उनसे ऊपर निकलने के लिए वो 4-5 ने जो गलतियां की हैं, जो एग्ज़ाम्स में लिखा है, बस वो सही करोगे आप। स्किल पूरी दुनिया में फैली हुई है, आपको सबसे अच्छा होना है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे यार, एक होता है कंपैरिजन, एक होता है कंपटीशन। कंपटीशन इज़ नॉट बैड, कंपैरिजन इज़। तो कंपैरिजन हमेशा गलत होता है, परसेंटेज में हम हमेशा कंपेयर करते हैं, अगर कंपेयर ही नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा परसेंटेज अच्छी है या बुरी है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। पहले 90% अच्छी है, पर मेरे दोस्त की 95 आ गई तो ख़राब है, उसकी कैसे आ गई, सेम क्लास में पढ़ता है, सेम ट्यूशन लेता है, उसकी ज़्यादा कैसे आ गई। हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है, कंपेयर करते हैं। स्किल में हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, राइट? वहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख बंदे सेम स्किल कर रहे हैं, उसको किसके साथ कंपेयर करते रहोगे? वो कंपटीशन में आ जाता है। कंपटीशन क्या होता है कि इतने लोग हैं, मैंने सबसे अच्छा होना है, ठीक है, ये नहीं कि उनसे आगे निकलना है, पर सबसे अच्छा होना है अपनी फील्ड में। तो परसेंटेज में तो ऐसा है ही नहीं, वो हैं उनसे ऊपर जाना है, उनको नीचा दिखाना है। के लिए यार आप अपने हिसाब से सीख सकते हो, परसेंटेज के लिए नहीं, मतलब जो बुक्स हैं अब वो वही हैं, आप मोस्टली वही से ही पढ़ोगे, जो वहाँ पे लिखा है आप उसे सच मानोगे, बाकी सब गलत है।
अगर आप नहीं मानते तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैसे आप मोस्टली मान लेते हैं। जो स्किल है वो हम अपने तरीके से सीख सकते हैं, चाहे यूट्यूब से सीखें, चाहे पर्सनल कोई ट्रेनिंग लेके सीखें, कहीं से भी सीख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि परसेंट के पीछे मत भागो भाई साहब। मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, माइक भी नहीं था मेरे पास, लगाया हुआ था पर वहाँ से अटैच नहीं किया था। उसमें मैंने सब पहला पॉइंट यही बताया था, 23 मिनट की वीडियो थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूरी मत देखना चाहे पहले 5-6 मिनट देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ थी। और मैं अब भी वही कह रहा हूँ कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेसन नंबर 2, देर इज़ नो अपर लिमिट। इसमें मैं अपनी थोड़ी पर्सनल जर्नी शेयर करूँगा। तो 7th की बात है, जब मैं 7th में था, हमारा रिजल्ट आया उसके अगले दिन या जब भी मैं स्कूल गया, ठीक है, तो हमारे क्लास टीचर थे सिल्की मैम, उन्होंने सबसे पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स दिए, थोड़े बहुत रिमार्क्स दिए, ठीक है, कि हाँ आपने अच्छा किया, आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो सब। तो जब मेरे पास आए फिर मैंने अपने बताए, मेरे मार्क्स अच्छे आए हुए थे, 90 प्लस थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि शुभम, जो टॉपर्स होते हैं ना वो हमेशा एक टीचर बन के रह जाते हैं। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैम भी टॉपर थे और वो भी अब टीचर हैं, ठीक है। तब मैंने उस बात को कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश की नहीं, मैंने थोड़ी सी स्माइल की ऐसे हुआ, फिर मतलब ठीक है, मैम चले गए, फिर क्लासेस लगी, सब कुछ हुआ। पर फिर ना मुझे लगा, यार क्या मैं टीचर नहीं बनना चाहता, राइट, टीचर नहीं बनना चाहता। अब क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ाना इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने यार टीचर को इमेजिन क्या किया था, लिमिट क्या इमेजिन कर ली थी कि एक टीचर जो है वो एक स्कूल जाएगा, रोज़ स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, और मैं एक जगह पे कन्फाइंड नहीं रह सकता कि एक ही स्कूल में मैं पूरी ज़िंदगी निकाल दूँ, वो काम नहीं हो सकता, राइट। चलो थोड़ा बड़ा भी सोच लेते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में निकाल दूँ, वो भी नहीं, ठीक है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि जब तू यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता है ना, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि तू बिल्कुल प्रोफेसर टाइप लगता है, ठीक है। तो मुझे खुश होने की जगह मैं दुखी होने लग गया कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता। मैं उस बात को बहुत इग्नोर करने की कोशिश करता था, पर ना जो चीज़ चिपक जाती है दिमाग से वो निकलती नहीं है। मतलब साल पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है, अभी भी वही चीज़ आ रही। तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे सोच लिया, मैं कहा चलो क्या कर सकते हैं। फिर जब भी कोई थॉट आए ना कि हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, मुझे आते हैं थॉट कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, फिर मैं उसे दबाने की कोशिश करने लगा कि नहीं टीचर नहीं, टीचर नहीं, टीचर नहीं। बट थोड़े दिन पहले सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, टीचर क्या है, जब तक मैं सोचूंगा कि ये लिमिट है एक टीचर की, ये क्या है, स्कूल की लिमिट, कि ये टीचर जो है ये स्कूल तक ही है सीमित, तब तक मैं यहीं तक रह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सोच लूँ कि मैं पूरी कंट्री को, इंडिया को एजुकेट कर सकता हूँ, वो भी एक टीचर, एजुकेशन मतलब टीचर क्या करता है, एजुकेट करता है ना, कुछ सिखाता है या समझाता है, तो इंडिया तक, तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अगर यहाँ तक सोचूंगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, यहाँ तक सोचूंगा तो यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, अपनी लिमिट तक ही पहुँचूंगा, उसके ऊपर मैं पहुँच ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो आप। तो ऑनलाइन का, अब यहाँ तक पहुँचने का एक एक स्कूल में जाके नहीं समझाना, मैं ऑनलाइन आ गया। सो अभी आपको लग रहा होगा 132 बंदा क्या पूरी कंट्री है, बट या मैं दिख रहा है आपको, मैंने शुरू किया। और एक और चीज़ है, अब ये टीचर बनने वाला किस्सा मैं आपको अभी शेयर नहीं करूँगा, मैं एक और स्टार्टअप टाइप शुरू कर रहा हूँ, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एक दो महीने में मैं उसकी पूरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें क्या क्या होगा वो सब। सो अभी छोड़ देते हैं। तो जहाँ तक आप सोचोगे वहीं तक आप पहुँच सकते हो, राइट। मुझे पहले वो बहुत डिप्रेसिंग चीज़ लगती थी, पर मुझे लगता है कि वाह मैं टीचर बन पाऊँगा, वाह। तो क्या होता है ना यार कि यार जहाँ तक हम सोचें वहीं तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए एक और समझाता हूँ मैं आपको कि मैं ना, अब जब स्कूल लगते थे, अभी तो कोरोना है, तो जब हमारे स्कूल लगते थे तब हमारा जब भी पीटी होता था मैं राउंड्स लगाता था, 7-8 लगा लेता था, ठीक है। तो मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते थे कि कैसे लगा लेता है राउंड इतने, हमसे तो नहीं लगते, हमसे तो एक लगते या दो लगते हैं। मैं 8-10 लगा लेता था, फिर उसके बाद सभी पूछते थे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया कि ऐसे ही बस लगा लेता हूँ, स्टीम इंजन मुझे नाम रखा हुआ था। सो क्या हुआ कि एक दिन ना, मतलब ये सब तो मैं लगाता था, पर जब मैंने स्टार्ट की थी रनिंग करनी, तब क्या हुआ था कि मैं बाहर जाता था, ठीक है। पहले दिन मैं गया कि हमारा जो घर के पास ना एक ग्राउंड है गवर्नमेंट स्कूल का, वो बहुत बड़ा है, राइट। तो उसमें मैंने सोचा कि सिर्फ एक राउंड लगाऊंगा, मुझसे इतने तो लगने देंगे, मैं तो बच्चा हूँ। तो एक लगाने गया तो मैंने देखा कि ये, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसा तो नहीं है, यहाँ से शुरू किया, ऐसे ऐसे करके मैं पहुँचा। तो जैसे यहाँ तक पहुँचा ना, मैं थकने लगा और थोड़ा सा और चलने की कोशिश भी नहीं की, मैं बिल्कुल वहीं रुक गया।
राइट, बिल्कुल यहाँ रुक गया जहाँ से शुरू किया था। फिर अगले दिन मैंने सोचा चलो दो लगाते हैं, तो मैंने दो लगाए पूरे, और जैसे ही दो पूरे किए मैं वहाँ पे रुक गया। फिर तीन लगाते हैं, फिर तीन लगाए, और उस तीन के बाद सीधा मैंने जंप मारी चलो आठ लगाते हैं, और सच में आठ लगे राउंड। तो लगाए 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 और आठ राउंड लग गए। तो उस दिन यार पता लगा कि लिमिट हम ही चूज़ कर रहे हैं और कोई नहीं हमारे लिए कर रहा, राइट। अगर हम देख रहे हैं ना कि ऐसे भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, हम क्यों नहीं भाग पा रहे? क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे ना वो स्टार्टिंग में मुझे कह देते थे तेरे जितना तो हमसे भाग नहीं होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो राउंड लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीन राउंड लगाऊंगा। उन्होंने पहले अपने आप को लिमिट दे दी तीन, अब अगर वो इसको अचीव कर लें तो उन्हें लगेगा कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट अचीव कर ली, राइट। अगर मैं सोचूं मुझे 10 मिलियन चाहिए 5 दिनों में, अगर मेरी हो जाए तो मुझे लगेगा बस हो गया, ख़त्म हो गया काम, राइट। पर इतने से मैं कोई रुकेगा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। तो आठ राउंड, जितना सोचोगे यार उतना ही पाओगे। मैंने अपने सारे दोस्तों को जवाब दे दिया कि मैं कैसे कर पाऊंगा, स्टेमिना वगैरह की कुछ अच्छी डाइट लेना वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यार लिमिट होती कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। जहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे यार वहीं तक पहुँच पाओगे, क्योंकि ये जो है ना यार, ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स, यहाँ पे एक पावर है, चाहे उसे भगवान समझ लो, चाहे कोई भी नाम दे दो, नेचर दे दो, कुछ भी, एक पावर है जो सबको उनका उनका काम देती है। अब ये पर्टिकुलर काम है, ठीक है, अब आपने जैसे सोचा कि मैं ये स्टार्टअप शुरू करता हूँ, पर आप डर गए कि अगर फेल हो गया, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, आपने छोड़ दिया, वो काम होगा, आपसे ना हो तो कोई और कर लेगा। बस फ़र्क ये पड़ता है कि कौन कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेके है कि बस मैंने करना है, पागल है कि वो करना है और कुछ नहीं, बस अब इसके पीछे यूनिवर्स ना वो काम उसको पकड़ा देता है, उससे करवाता है वो काम। तो आपको उतना पागल होना पड़ेगा कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है, राइट। हम तो सोच लेते हैं लिमिट, वो लिमिटलेस हो जाओ, कोई अपर लिमिट ही नहीं है। इंडिया क्या वर्ल्ड को करेंगे हम एजुकेट, यहाँ तक पहुँच जाओ सब हो जाएगा, जितनी लिमिट रखोगे वहां तक ही पहुंच पाओगे, राइट। ये पूरी कोई भी एज ग्रुप का बंदा ये वीडियो देख रहा हो यार, ये तीन लेसन्स जो है ये सबको समझने चाहिए। लिमिट, यही तो लिमिट है ना, कि सिर्फ 24 साल के लोग तक ही ये सब चीजें देख सकते हैं, ये सब चीजें समझ सकते हैं। कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो 30 साल तक कर लो, उसके बाद तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। ये सब लिमिट्स हैं, ये आपकी लिमिट है, अब आप इसे कितना ऊपर तक लेके जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। सो लेसन नंबर थ्री, अब चाहे आप इसे लेसन समझ लो, चाहे आप इसे क्वेश्चन समझ लो जिसका मैं आंसर करूंगा, व्हाई ओनली 1% पीपल गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। सो यार ये देखो, हम 100% में से सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, अभी मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकली देखेंगे। अब देखो यार, अब ये 100% में से 80% लोग ये होंगे जो कहेंगे कि हमसे नहीं होगा, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेंगे नहीं, छोटे में खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ यार, चाहे YouTube पे कहूँ चाहे रियल लाइफ में कहूँ, खुश रहो, संतुष्ट नहीं। आपको खुश रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं। अगर 132 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे तो मैं खुश हूँ, पर संतुष्ट नहीं हूँ कि बस इतना ही चाहिए, अब बंद कर देते हैं, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसमें खुश रहो, पर अपर लिमिट अपनी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, संतुष्ट नहीं रहना। सेटिस्फैक्शन क्या चीज़ है यार? सिंपली कि आपने कोई काम करना था पर आपने कहा यार नहीं छोड़, इतने में भी जिया तो जा सकता है, जी लेते हैं, आगे क्या ही करना है। सो सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए हमें लाइफ में, सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें काम करने से रोक रही है, ठीक है। एक एक्सक्यूज है सेटिस्फैक्शन कि आई एम सेटिस्फाइड इन लाइफ, मुझे और कुछ नहीं करना है। आप एक चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हो, हाँ चलो पैसे इतने हैं मैं सेटिस्फाइड हूँ, पर किसी और कॉज के लिए, किसी और चीज़ के लिए आपको काम करना चाहिए। सो ये 80% सेटिस्फाइड है। अब जो दूसरे 20% होंगे, इन्होंने बड़ा करने के बारे में सोच लिया, सिर्फ सोचा, अभी किया नहीं है। अब लोगों को लगता है यार सोचने से कुछ नहीं होता, पर सोचने से आप ये 80-20 में आ गए, ठीक है, ये 20% में आ गए, पर 20% से 1% में जाने के लिए आपको सिर्फ सोचना नहीं है, काम भी करना है। एक कोट है यार, वन डे और डे वन इट्स योर चॉइस। ये कोट को यार बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये सक्सेस के बारे में बात हो रही है। जी नहीं, सक्सेस के बारे में हो रही होती तो इसका मतलब क्या निकलता कि आपको एक दिन 10 मिलियन चाहिए या आज 10 मिलियन चाहिए। लोग एक दिन यार पूरी एनर्जी के साथ उस पर काम करेंगे, पर एक दिन में 10 मिलियन नहीं होंगे,
सो वो वहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो आधे लोग तो यहाँ पे अटक गए, लेकिन इसका मतलब है कि शुरू करना, मैं किसी दिन ये वीडियो बनाऊंगा या आज वीडियो बनाऊंगा, ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, राइट। आज ही बनाऊंगा और आज ही डालूंगा। ये मैं यार टीचर्स डे पे ही बना रहा हूँ 5 सितंबर को, और कोशिश रहेगी कि आज शाम तक या रात तक, अभी दोपहर है 4 बजे शायद, और रात तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा। अब यहाँ तक पहुँचना है, पर एक दिन में नहीं पहुँचना, कम से कम शुरू तो करें। तो इतना बड़ा सोचने के बाद, जब 10 मिलियन सोचने के बाद 132 सब्सक्राइबर्स तक आएंगे, तो आधे लोग कहेंगे यार नहीं होगा हमसे, वो छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फेम वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो परसेंटेज ऑलवेज किल्स, 100% से 0% पे आना कुछ नहीं है, राइट। 15% लोग जो होंगे वो गिव अप कर देंगे। गिव अप ऑन व्हाट? गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स, गिव अप ऑन द बहुत बड़ी चीज़। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा यार, थॉट सबके बिलियनियर होते हैं सबके दिमाग में, पर कौन किसको परस्यू करता है, चॉइसेस पे डिपेंड करता है, राइट। अब ये जो 15% है, इन्होंने सोच तो बहुत अच्छा लिया, इनसे तो आगे थे, पर फायदा नहीं हुआ सोचने का। मैंने आपको कहा, अगर जितना बड़ा सोचोगे, जितना आप होगे क्रेजी होगे, करना है, मैं मुझे नहीं पता मैं पागल हूँ, मैंने ये काम करना ही करना है और सबका फायदा हो तो आपको वो काम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 15% तो निकल गए, अब रह गए 5% लोग जो सचमुच एक्ट कर रहे हैं, राइट। अब इन 5% में से आपका जो गोल है ना यार, अगर आप इन 5% में हो तो भी आप 1% में अभी नहीं आए। 1% में आने के लिए आपका एक गोल जो है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, राइट। कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको सक्सेस मिल रही है या नहीं, पैसा मिल रहा है कि नहीं, जो जिन सब चीज़ों की वजह से आपने शुरू किया था काम करना, वो सब चीज़ें ही छोड़ के आप फिर भी वो काम करोगे, आपको मज़ा आएगा क्या? कोई बंदा जॉब कर रहा है वो पैसे के लिए कर रहा होता है, मोस्टली जितने जॉब कर रहे होते हैं वो पैसे के लिए कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्किल्स हैं वो हम अपने मज़े के लिए करते हैं। हाँ, पैसे ज़रूरी हैं जीने के लिए, पर अगर वो नहीं मिलेंगे उस काम के लिए तो भी मैं वो काम करूँगा। यूट्यूब के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, मैं कर रहा हूँ। संदीप माहेश्वरी ने अभी तक मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं की, उसको मज़ा आ रहा है, वो कर रहे हैं। तो आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, आपको करना ही है। अब इनमें से सिर्फ 1% लोग होंगे वो जो सचमुच बिना इन सब चीज़ों के करेंगे। जो बाकी 4% हो गए वो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, उनको इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी हो सकता है, पर पैसे फेम वगैरह हर टाइम नहीं रहता, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, सब्सक्राइबर्स कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे, कोई भी बिजनेस है कोई भी काम है अप्स एंड डाउन्स होंगे, राइट। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ सोचना है और उस पर एक्ट करना है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, कोई पत्थरों पर नहीं चलना है, सिंपल। 100% में से कुछ बड़ा सोचो, उस बड़े सोचने को इम्प्लीमेंट करो और बिना पैसों के पीछे भागते वो काम करते जाओ, आप पहुंच गए। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि मेरी फुल स्टॉक्स फिर से वापस आ गई हैं, जो पहले 4-5 बनाई थी एक और आ गई है। सो अब जी हाँ, ये आती रहेंगी, मास्टर एक्शंस भी आएंगी और बाकी भी आएंगी, करियर गाइडिंग, मास्टर एक्शंस और साथ साथ में सब कुछ ये भी शुरू हो गई है, फुल स्टॉक्स भी शुरू हो गई है। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी एम, गुड डे, नमस्ते, जय हिंद।